हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 16। आज मैं नया टाइप सिखाने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? तो डिफरेंशिएट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अभी तक हमने जितनी बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किया है, यहाँ पे क्या क्या होता था? मैक्स टू मैक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे लास्ट लेक्चर में टी के साथ किया था, थीटा के साथ डेरिवेटिव निकाला था, वैसे इस लेक्चर में क्या हो रहा है ना, हमें डिफरेंशिएट करना है सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंसेप्ट ऐसी है कि चलो मैं पहले बंदे को बोलता हूँ यू और जिसके साथ करना है उसको बोलता हूँ वी। तो चलो इसी स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं। क्या बोला उन्होंने? डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वी। मतलब क्या? डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वी। डी यू बाई डी वी क्या है ये पूछा है उन्होंने। यू का डेरिवेटिव वी के साथ। और वापस एक बार, यू का डेरिवेटिव वी के साथ क्या होता है? यू किसका फंक्शन है? एक्स का। वी किसका फंक्शन है? एक्स का। लास्ट टाइम हमने देखा था, व्हाट इज डी यू बाई डी वी? इट इज डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे एक्स के साथ। क्या करूंगा मैं? मुझे लगता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह मैं डालूंगा टैन थीटा। अगर एक्स की जगह टैन थीटा डाला तो ये क्या बनेगा? रूट टैन इनवर्स। जरा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा कम लिख के खत्म कर रहा हूं, तो ये टैन स्क्वायर थीटा बनेगा। व्हाट इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा का रूट, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा। तो चलिए आगे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बनेगा टैन इनवर्स। ओके, व्हाट इज सेक? इज वन बाय कॉस, तो एलसीएम मार के वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टैन इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैन यू सी? कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर चले गए। सेक इज वन बाय कॉस, एलसीएम मार के मैंने सॉल्व किया। आगे तो दिस इज टैन इनवर्स, व्हाट इज वन माइनस कॉस थीटा? इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन, व्हाट इज साइन थीटा? इज टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। आगे साइन साइन गया, टू टू गया, एक साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू इज टैन थीटा बाय टू का टैन इनवर्स इज जस्ट थीटा बाय टू। तो आगे बढ़ के मैं बोल रहा हूं यू इज व्हाट? हाफ टाइम्स थीटा। और इतना मैं लिखता हूं तो ये आएगा हाफ टाइम्स थीटा। कौन है? टैन इनवर्स एक्स। तो लॉजिकली ऐसे हुआ कि ये जो बड़ा एक्सप्रेशन था इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आएगा? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा हाफ इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप था। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, v के डेरिवेटिव को क्या करूंगा? v का डेरिवेटिव x के साथ, मतलब u का डेरिवेटिव x के साथ अपॉन v का डेरिवेटिव x के साथ क्या बनेगा? du / dv। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं v का टर्म। इसका डेरिवेटिव मुझे x के साथ निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ऐसी है कि मुझे ये टर्म देखने वापस एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फेमस फॉर्मूला किसका है? मुझे लगता है मुझे इसमें इस सम में x की जगह डालना पड़ेगा साइन थीटा। तो चलो देखते हैं। तो साइन थीटा डालने के बाद ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा टैन इनवर्स 2 साइन थीटा। आगे व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। तो बेसिकली व्हाट इज माय वी? इज टैन 2 थीटा का टैन इनवर्स इज जस्ट 2 थीटा। तो इसका मतलब व्हाट इज डी वी बाय डी एक्स? डी वी बाय डी एक्स बनेगा 2 टाइम्स थीटा। कौन है इस केस में? थीटा है साइन इनवर्स एक्स। सॉरी, तो ये बनेगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और उसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मुझे तुम्हें याद होगा सम में पूछा था डिफरेंशिएट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब हमें पूछा था डी यू बाई डी वी, मतलब डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। मतलब डी यू बाई डी एक्स कौन था? ये था हमारा डी यू बाई डी एक्स, मतलब वो आएगा हाफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप आगे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज इनको मत काटना, ये डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर बनेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये सम्स थोड़े लेंथी होते हैं इसलिए आपको ध्यान से देखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे पूछा है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, सेम मैं क्या करेगा? इसको u बोलेगा। u मतलब क्या? cos x रेस टू sin x। और मैं इसको क्या बोलेगा? v को क्या बोलूंगा? sin x रेस टू cos x। और मुझे क्या पूछा है?
उन्होंने पूछा है डिफ्रेंशिएट, उन्होंने मुझे क्या पूछा, हम तीन पार्ट करते हैं इसके, ठीक है। तो मुझे क्या बोला, डिफ्रेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी, मतलब मुझे पूछा है डी यू बाय डी वी, क्या होता है डी यू बाय डी वी, वो होता है डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स, राइट। तो मतलब u का डेरिवेटिव x के साथ, v का डेरिवेटिव x के साथ, और वो दोनों यहाँ पे डिवाइड करने हैं। आई कॉल दिस इक्वेशन वन, अब टू थ्री यहां से लाएंगे। ये सेम आपको याद है ये कैसे करते हैं, अगर आपने ये एक्सरसाइज याद होगा तो बेस में भी x, पावर में भी x, मतलब हम लोग लॉग लेंगे। तो लॉग u इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग ऑफ कॉस x। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, लॉग u का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, क्या होगा साइन एक्स वैसे के वैसे, लॉग ऑफ कॉस का डेरिवेटिव वन अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स वैसे के वैसे इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स। तो आई मीन टू से क्या आएगा, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू मतलब कौन, कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स वैसे के वैसे इंटू ब्रैकेट में, इंटू यहां लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट में सब कुछ, कौन आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू, जो मैं यहां पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट बोलने वाला हूं, मतलब ये आपका यू का डेरिवेटिव था, मतलब टू अपॉन थ्री, ये थ्री अभी आने वाला है, ये थ्री यहां से आएगा, तो टू बाय थ्री इज द आंसर। आपको ठीक से लिखना है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहाँ पे जाते हैं, आपको ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे भी x, पावर में भी x, तो सेम कॉन्सेप्ट, व्हाट इज लॉग v इज cos x इनटू लॉग ऑफ sin x, तो व्हाट इज लॉग v का डेरिवेटिव 1 बाय v dv बाय dx विल बी व्हाट cos x इनटू log sin का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x इनटू cos x प्लस log ऑफ sin x का डेरिवेटिव वैसे के वैसे, सॉरी log ऑफ sin x वैसे के वैसे इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। I mean to say, what is v ka derivative with respect to x is v cross multiply, matlab sin x raised to cos x into, ye into hai, into bada bracket, ye puri term kya hai, cos square x upon sin x minus ye term, ye kya hai, sin x into log of sin x, mujhe nahi lagta isme kuch cancel hone wala hai, to final aapka answer kya hoga, फाइनल आंसर मतलब डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी का आंसर क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन अपॉन ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये तीन सम्स पहले कर लीजिए और उसके बाद ये नंबर फोर फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव ये दोनों भी करने हैं आपको, और ये सिक्स वाला आखिरी कॉस इनवर्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, आखिरी दोनों मैंने किए हैं तो आपको नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।